वेलकम टू ऑल इंडियन सेटेसी 2020, दिस इज टेस्ट नंबर 1। तो 1 जुलाई को टेस्ट हुआ था ये, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट कॉजेज चेंज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज दैम, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज सच एंडोजेनिक फोर्स। कह रहे हैं कि जो अर्थ पर जो चेंज आते हैं ना, वो लिथोस्फेरिक प्लेट के कारण, मूवमेंट के कारण आते हैं। कह रहे हैं एंडोजेनिक फोर्सेज इनमें से कौन से होते हैं। दो तरह के फोर्स होते हैं, एंडोजेनिक फोर्स या तो एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स वो होते हैं जिन जो लिथोस्फेयर के ऊपर, जो लिथोस्फेयर मतलब हमारे सरफेस के, अर्थ के सरफेस के ऊपर में जिसमें चेंज आएगा तो उसे हम कहेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स के कारण जो चेंज आया। एक होता है एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स का मतलब क्या है, अर्थ के अंदर जो भी चेंज आए, जो भी फोर्स लगी उसके द्वारा जो चेंज आए। तो कह रहे हैं इनमें से एंडोजेनिक फोर्स कौन सा है जिसकी वजह से ये लिथोस्फेयर पे चेंज आए। पहले हमारे पास ग्लेशियर, ग्लेशियर हमारा नहीं है, ग्लेशियर हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस है क्योंकि सरफेस के ऊपर होता है ये। सी वेव सी सरफेस के ऊपर होता है। वोल्केनोज हमारा अंडर होता है, अंडर द अर्थ होता है, अर्थ के अंडर में है और प्लेट्स के मूवमेंट के कारण वोल्केनोज होता है। तो हमारे पास एंडोजेनिक फोर्स हमारा 3 हुआ और डेस्ट्रोट्रोपिक फोर्स हमारा अंदर होता है वो भी एंडोजेनिक फोर्स हुआ। तो हमारे पास एंडोजेनिक फोर्स इनमें से कौन सा है, वोल्केनोज है 4। तो आंसर हो गया 3 और 4, तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग द लूनार इक्लिप्स द ऑल द पार्ट्स ऑफ मून फेस मे अपीयर रेडिश, ऑफ्टन कॉल्ड ब्लड मून कहते हैं ड्यू टू द ये। कह रहे हैं कि कभी कभी जब लूनार इक्लिप्स होता है तो मून की सरफेस जो लाल दिखाई देती है वो क्यों होती है। तो पहले हमारे पास है रेलिंग स्कैटरिंग एंड रमन स्कैटरिंग। देखो जो सेकंड पार्ट है रमन स्कैटरिंग, ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है। रमन स्कैटरिंग में क्या होता है, जो पानी के अंदर पार्टिकल्स हैं या फिर इस जो सरफेस में जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर लाइट लगती है और लाइट की जो रेज हैं वो टूट जाती हैं, इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसे हम रमन स्कैटरिंग कहते हैं। तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। तो ये टॉपिक नंबर 2 जो है वो तो अलग ही है। रेलिंग स्कैटरिंग में क्या होता है, जब ये मून जब अर्थ को पास करता है तो अर्थ की शैडो उसके ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो अर्थ के चारों तरफ जो रेज होती है ना वो स्कैटरिंग होने हो के अर्थ मून को रेड कर देती है, इसे कहते हैं हम रेलिंग स्कैटरिंग। तो आंसर इसका 1 होगा ना कि 2। ठीक है, आंसर इसका ए, ऑप्शन ए। तो व्हेन द मून पास थ्रू द मिडिल ऑफ द अर्थ शैडो द रेड लाइट फ्रॉम द फ्रिंजेस अराउंड द अर्थ बीम ऑन टू सरफेस ऑन द अर्थ मून एंड विच टर्न इट रेड। तो आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ द स्टार, बिल्कुल सही है। विच फॉर्म अ पैटर्न, बहुत सारे स्टारों का जो ग्रुप है उसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, पैटर्न फॉर्म करते हैं, बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ऊर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। ऊर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के बारे में बात करते हैं। ऊर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन इज अ लार्जेस्ट नॉन कॉन्स्टेलेशन, गलत है। ऊर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन 3rd नंबर कॉन्स्टेलेशन है, ना कि सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कॉन्स्टेलेशन है। 88 कॉन्स्टेलेशन है हमारे जिसके अंदर ऊर्सा मेजर जो 3rd नंबर पे आता है। तो फर्स्ट हमारा गलती हो गया। सेकंड हमारा सप्तऋषि फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द लार्ज ऊर्सा मेजर, ये बिल्कुल सही है, सप्तऋषि का पार्ट है। तीसरा हमारे पास इट इज़ अ मोर क्लियरली विजिबल फ्रॉम द नॉर्थ हेमिस्फीयर एट अगेंस्ट द साउथ हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही है। तो 2nd और 3rd इसका आंसर होगा बी, क्योंकि जो ऊर्सा मेजर जो होता है ना, जो ये ऊर्सा मेजर जो कॉन्स्टेलेशन है ये नॉर्थ में दिखाई देता है, जो नॉर्थ में होता है। अब नॉर्थ में होगा तो नॉर्थ की तरफ से ज़्यादा दिखेगा बजाय साउथ की तरफ से। तो वो लिखा है सी पार्ट में, इट इज़ अ मोर क्लियरली विजिबल फ्रॉम द नॉर्थ हेमिस्फीयर दैन द साउथ हेमिस्फीयर, दैट्स मीन द 2nd और 3rd ऑप्शन इज राइट, आंसर इसका बी। ठीक है, 3rd का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अंडरस्टूड टू द एडेप्टेशन ऑफ गार्ड अ डेजर्ट एनिमल फ्रॉम द इंटेंस हीट। कह रहे हैं कि डेजर्ट के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं इतनी हीट से वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के लिए, उसके लिए हमारे पास उन एनिमल्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे लॉन्ग लेग्स हैं, बिल्कुल सही है। जितने लंबी लेग्स होंगी उसकी तो बॉडी ज़मीन से ऊपर इतनी जो हो, इतनी ज़मीन से ज़्यादा बॉडी ऊपर होगी तो उनको अडोप्शन करने में इस तरह के इन्वायरमेंट में ज़्यादा उनको हेल्प मिलती है, तो इंटेंस हीट के अंदर वो अडोप्ट कर पाते। तो आंसर हमारा 1 सही है। एबिलिटी ऑफ द ब्रोन द डीप इन द सैंड, सैंड के अंदर वो खोते रहते हैं और अंदर चले जाते हैं तो हमें ठंडक होती है, तो ये बिल्कुल सही है। एक है नॉक्टुरियल फंक्शन। नॉक्टुरियल फंक्शन क्या होता है, जो रात में काम करते हैं, जो जब 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 डे होते हैं डे के अंदर आराम से बैठ जाते हैं, और जब रात होती है, जब नाइट होती है, नाइट के अंदर जब इंटेंस हीट नहीं होती तो उस टाइम अपना शिकार भी ढूंढते हैं, उस टाइम कुछ काम भी करते हैं। बिग ईयर्स, बिग ईयर्स में क्या होता है, वो अपने ईयर्स को बंद कर लेते हैं, अपनी बिग ईयर्स ईयर्स और बिग ईयर्स से क्या होता है कि अपने ईयर्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर की जो हीट है बाहर नहीं निकल पाती है और बाहर की हीट अंदर नहीं जा पाती है। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 चार ऑप्शन बिल्कुल सही है कि लॉन्ग्स लैग, एबिलिटी ऑफ द बॉडी डीप्स इन सैंड, नेक्स्टोरियल फंक्शनिंग एंड बिग ईयर्स आर हेल्प टू अडोप्शन टू द डेजर्ट एनिमल फ्रॉम इन इंटेंस हीट इन्वायरमेंट। तो आंसर 1, 2, 3, 4 हो गया।
आंसर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द नंबर ऑफ द स्टार इन अवर सिस्टम इज ओनली, हमारे पूरे सिस्टम के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर कितने स्टार हैं? आंसर है इसका 1। जो स्टार डेफिनेशन है वो हमारे पास सन ही है एक तरह से, जो स्टार डेफिनेशन है जो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स है वो हमारी है सन, कि सन उसकी सन के अंदर ग्रेविटेशन फील्ड होता है अपना, जिसकी वजह से जो पूरे अर्थ का जो एक स्टार कहा जाता है वो कहा जाता है हमारा सन और जो उसके सारे पार्ट हैं, इसलिए इसका आंसर है ए, ऑप्शन है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। विद द रिफरेंस ऑफ द पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज से बारे में आ चलिए, पैलियोलिथिक का मतलब होता है बहुत पहले, सबसे पहले जो था, इट स्पेंड नियरली 3/10 ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, कह रहा है कि कम से कम ये 1/3 हिस्ट्री कवर करता है, गलत है, सारी हिस्ट्री कवर कर लेता है पीछे की लास्ट तक की, तो कई हज़ार डिकेट्स करते हैं, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरी बात क्या है, बोन टूल्स कुड बी फाउंड बट स्टोन टूल्स वर नॉट फाउंड, गलत है, उस टाइम स्टोन टूल्स भी थे और बोन टूल्स भी थे, तो फर्स्ट और सेकंड तो गलत हो गए। थर्ड है हमारे पे एविडेंस ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ द ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन द इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, कह रहे हैं कि इस पीरियड के दौरान एविडेंस ऑफ ऑस्ट्रिच पाए गए। ऑस्ट्रिच क्या है, ऑस्ट्रिच एक तरह की बर्ड होती है, सबसे बड़ी बर्ड है, ठीक है, तो उसके एविडेंस पाए गए, बिल्कुल सही। तो थर्ड हमारे पास सही है, देर आर द फ्यू क्लाइमेट चेंज इन दिस पीरियड दैट्स ओनली इन इंटर ग्लेशियर पीरियड लीडिंग टू लार्जली स्टेबल इन्वायरमेंट, ये भी गलत है, क्योंकि उस टाइम के जब पैलियोलिथिक था ना तो उस टाइम पे ग्लेशियर पीरियड में चेंज नहीं आया था, ग्लेशियर पीरियड में चेंज आया था मीजोलिथिक एज के अंदर, जिसकी वजह से आपका 1, 2, 3 तो गलत हो गए, थर्ड हमारा सही हो गया, तो आंसर इसका बी, सिक्स का आंसर है बी। ठीक है, 7th पे आते हैं। द फर्स्ट नेम्ड मिशन टू द मून वॉज बैक इन 1960 बाय द नासा, सही है, ठीक है, अच्छा। दूसरा हमारे पर नो इंडियन सिटीजन हैज़ बीन लैंडेड ऑन द मून, बिल्कुल सही है, इंडिया का कोई भी सिटीजन पहली बार मून पर लैंड नहीं कर पाया है, राकेश शर्मा जो लैंड करा था मून के ऊपर वो बाई यूएसएसआर से था, ना कि इंडिया की तरफ से, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो गए। थर्ड हमारे पास के चंद्रयान वाज द फर्स्ट मिशन टू द मून, बिल्कुल सही, तो 1, 2, 3 आंसर हो गए, इसका आंसर है इसका ये 7th का। ठीक है, 8th पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से इनमें से कौन सी लैंग्वेज, कह रहे हैं कौन सी लैंग्वेज बिलोंग करती है, तिब्बतन नहीं करती, कश्मीरी और हिंदी करती है, बुरमास भी नहीं करती, तो आंसर है इसका 2 and 3, आंसर है इसका सी, ये आपको याद करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा आपको हिस्ट्री के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा उल्टा सीधा क्वेश्चन है। साइंटिस्ट रिसेंटली कैप्चर द पिक्चर ऑफ द सुपर मैसिव ब्लैक होल इन इट्स ग्लोरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री द ब्लैक होल वाज द कैप्चर्ड वाज एक सिक्रेटेरियस है हमारे पास, इट्स द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी मेलाजी वाज, तो ये कहना है कि उसको ब्लैक होल वाज कैप्चर्ड बाय सेगिटेरियस ए एज द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, गलत है, ये सेंटर पे नहीं है, ये 25,000 लाइट ईयर दूर है, तो पहला मैं गलत हो गया। मिसरी 87 बिकॉज इट वाज द क्लोज्ड ब्लैक होल फ्रॉम द अर्थ, ये भी गलत है, क्लोज नहीं है, दूर है। इवेंटिया CX सिंस इट वाज द यंगेस्ट ब्लैक होल डैट कुड बी ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ, ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ पर ये ब्लैक होल है ना इवेंटियस और अर्थ के बीच में, इतने सारे पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स को देख पाना आसान नहीं है, जिसके वजह से आंसर है डी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे भी उठपटा सा लगा, तो आंसर है इसका डी 9th का। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी अर्थ है, एक अर्थ है और ब्लैक होल है, उसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, इसकी वजह से हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए रीज़न ये भी है कि जो पास के ब्लैक होल पे हम उस पर कंसंट्रेट नहीं करा, हमने उस पर कंसंट्रेट करा, उस पर हमने कंसंट्रेट करा जिस पर हम कर पाएंगे, ठीक है, जो चाहे वो दूर हो पर लेकिन हमने उसको देखा। 9 हो गया आंसर हमारे पास, क्या है 10th पे आते हैं। बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस, अपने प्लेस से हमने किसी को पोल स्टार मेजर करना है तो हमें किसी का यूज़ करना पड़ेगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नाम है लैटीट्यूड, लैटीट्यूड को हम देखें क्योंकि लैटीट्यूड पे ही हमारे पास पोल स्टार भी होता है, ठीक है, तो आंसर इसका ए, लॉन्गिट्यूड मतलब नहीं, लैटीट्यूड का मतलब है सीधा, लॉन्गिट्यूड मतलब होता है लेटा हुआ, ठीक है, इक्वेटोरियल से पैलर में, तो आंसर इसका ए, 10th का आंसर ए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ शेयर द वीडियोज़।